आप जानते हैं कि चतुर्वेदी जी का हमारे ऊपर कितना स्नेह है। वो जो भी वचन निकल रहे थे वो स्नेह से स्निग्ध थे, तो उसमें कई बार स्नेह के कारण कभी कभी थोड़ा अतिरंजन भी होता है। लेकिन तो स्वयं विद्वान है, मैं कुछ कह नहीं सकता। पधारे। हाँ शुरू। कुछ बोलना चाहते? पूज्य महाराज श्री और आप सभी के मध्य और अधिक समय न लेते हुए मैं पूज्य महाराज श्री के श्री चरणों में विनम्र प्रणाम निवेदन करते हुए आग्रह करूंगा कि वे अपनी तेजोमयी वाणी से हम सभी को कृतार्थ करने की कृपा करें। पूज्य महाराज श्री। प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराव्येर्मयेधि वेदस्य मानिस्थः श्रुतम् मे मां प्रहासि अनेनाधीतेन अहोरात्रान् संदधामि श्रुतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् शान्तिः शान्तिः शान्तिहि। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन
तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै सभी जानते हैं। हमारे जबलपुर में भागवत की कथा होती ही रहती है और इसलिए तो कोई अपरिचित होगा ऐसा तो मुझे नहीं लगता है। यहाँ पे 6 अध्यायों में शुरू में महात्म्य की कथा है। पद्म पुराण में श्रीमद् भागवत जी के महात्म्य की कथा आती है और बाद में फिर से स्कंद पुराण में भागवत जी की कथा महात्म्य की कथा आती है, तो दोनों ओर से महात्म का गान भागवत में हुआ है। पद्म पुराण की जो कथा है वो ज़्यादा प्रसिद्ध है, आप लोग जानते हैं। यहाँ 2 कथाएं हैं पद्म पुराण की, महात्म की 2 कथाएं हैं। 1 कथा तो है जहाँ पे भक्ति रो रही है, बड़ा आश्चर्य है,
हैं, भक्ति के कारण लोगों का हृदय शीतल होता है ना। ये भक्ति है जो सबको शीतल करती है, सबको शांत करती है। लेकिन ऐसा चित्रण है कि भक्ति रो रही है, और वो भी कहाँ पे, वो भी एक बहुत विलक्षण है। भक्ति रो रही है वृंदावन में। बहुत आश्चर्य की बात है, वो तो माता जी का एक तरह से धाम ही है। भक्तिर नृत्यति सर्वदा, जहाँ पे भक्ति सदा ही नृत्य करती है वो मथुरा है, वो वृंदावन है। तो वहाँ पे आज के दिन ऐसा प्रसंग है, थोड़ा सा इको दे दें तो, कोई हो तो थोड़ा सा इको देना, ये उनको मालूम है। तो भक्ति रो रही है, थोड़ा बिल्कुल थोड़ा देना है, बहुत थोड़ा थोड़ा, कम 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 कम, एकदम कम कम। आप तो जानकार हो, हमें कोई लहराना नहीं है आवाज़ को, नहीं तो मुझे आपके ज्ञान पे शंका हो जाएगी, तो सावधान। एक केवल आवाज़ को सहारा देने के लिए है ना, ऑलमोस्ट जीरो है ना, ऑलमोस्ट जीरो रखिए उसको। और नहीं तो हो सकता है मैं बोलूं कि रहने ही दीजिए, ऐसे ना हो। तो जहाँ भक्ति रोती है वो जगह है, तो ऐसी नहीं दिखाई देती जहाँ की वो, उसको रोना चाहिए। क्यों रोती है? वो कहते हैं उनके दो लड़के थे, ज्ञान और वैराग्य, और वो बेहोश पड़े हुए थे, और भक्ति स्वयं तो युवती थी। तो त्रयाणाम सहचारित्वात्, ये तीनों एक साथ चलते हैं। घटते जरठा माता, वहाँ माता जी बोलती हैं कि अगर माता वृद्ध हो तो फिर भी थोड़ा इतना अनुचित नहीं है, लेकिन पुत्र तो युवा होने चाहिए। यहाँ उल्टा है, जो पुत्र हैं वो बेहोश हैं, वृद्ध हैं, तो बिल्कुल अशक्त पड़े हुए हैं, और जो भक्ति है वो युवती है। युवती होने पर भी उसके शरीर में कोई विकार नहीं है, ऐसा होने पर भी तो वो तो रो रही हैं। और उधर से नारद जी गुजरते हैं। नारद जी कहाँ से आए? बोले वो आए थे कलयुग में धरती का दर्शन करने के लिए। नारद जी भी कोई कम कुतूहली हैं, वो स्वामी जी ने लिखा कौतुकी हैं, तो इसलिए तो वो तो कौतुक में घूमते घूमते जब आए तो वो स्वयं बड़े उदास हो गए। हाँ अच्छा, तो उदास हुए, क्यों उदास हुए? देखा उन्होंने कि चारों वर्णों में धर्म का अभाव है। मैं यहाँ विस्तार नहीं कर सकता, मैं थोड़ा विषय में भी आना चाहता हूँ। हाँ, सन्यासियों में भी धर्म का अभाव है, इस तरह का वर्णन है। और अब एक एक का नाम लो तो ठीक नहीं होगा, वो लगते हैं। तो पुत्रोत्पन्न करने में ब्राह्मण लोग कुशल हैं क्या,
ऐसा ही है ना, तो और वेद में अकुशल हैं, ना समझ लोग हैं, ऐसे एक एक वर्ण का नाम लिया उन्होंने। बोले अच्छा कोई बात नहीं, तो तीर्थों का? बोले तीर्थों में भी बड़ी दुर्दशा है, क्योंकि तीर्थ सार ततोगतः, ये जो तीर्थ का सार है वो नहीं बचा, क्योंकि वहाँ पर दुष्ट लोगों का भी निवास देखने में आता है। वो आज भी दिखता है कि तरह तरह के लोग वहाँ रहते हैं, जहाँ पे जाने पर मन प्रसन्न होने की बजाय है ना थोड़ा खिन्न हो जाता है। तो जितने बड़े तीर्थ हैं तो वहाँ ढेर सारी ऐसी चीज़ें दिख जाती हैं जो नहीं दिखती तो ज़्यादा अच्छा था। तो उन्होंने देखा कि सारी धरती सारहीन हो गई है, कलयुग इतना प्रभावशाली हो गया है कि तो तीर्थ सार ततोगतः, तो सारे जो धर्म के रक्षक तत्व हैं वो सब के सब निस्सार हो गए। ऐसा भ्रमण करते 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 वो वृंदावन में पहुँचे हैं, और वृंदावन में देवी हमारी भक्ति माता वो रो रही हैं, और सारी सहेलियाँ उनकी सेवा में हैं, ऐसा वर्णन है। कोई पंखा चलता है, कोई कुछ करता है, लेकिन उनको कोई संतोष नहीं है। अब ऐसे में नारद जी को जिज्ञासा हो गई कि ये कौन है। तो जब जाके पूछते हैं कौन हो तुम, तो बताया मैं भक्ति हूँ, ऐसा मेरा नाम है, भक्ति के नाम से मैं विख्यात हूँ, अहम भक्ति रीति ख्याता, ऐसा शब्द आया, मैं भक्ति के नाम से विख्यात हूँ, ये कौन है? बोले ये मेरे पुत्र हैं दो, और मैं युवती हूँ, और ये दोनों बुढ़े होकर के पड़े हैं बेहोश, तो जरठ घटते जरठा माता, वृद्धा माता हो तो घटते, ये तो घटित होता है, लेकिन तो पुत्र वृद्ध हो और माता युवती हो ये ठीक नहीं है, ये सही नहीं लगता है, मेरे साथ क्या हो गया है? भो भो साधो क्षणम तिष्ठ, आप साधु हो, क्षणम तिष्ठ, थोड़ा रुक जाओ, आपके उपस्थिति से ही मेरे दुख में थोड़ी कमी हो गई है, तो आप थोड़ी देर में खड़े रहो। तो हमारे नारद जी खड़े हो गए, जब सारा वृत्तांत सुना उन्होंने, कर्नाटक में मेरा जन्म हुआ था, तो महाराष्ट्र में मैं बड़ी हुई, अब ये थोड़ा पता नहीं क्यों गुजरात के ऊपर एक तरह का आक्षेप सा लगता है। तो वहाँ उन्होंने कहा गुर्जरे जरठाम गता, तो गुजरात में मैं वृद्धा हो गई। फिर वहाँ एक नहीं बोलना चाहिए तो रहने दीजिए, तो वहाँ पर एक रोग है उसका नाम रखा है पाखंड, पाखंड पाखंडामय, अच्छा जो भी है। तो फिर आई जब वृंदावन में, तो मैं तो युवती हो गई फिर से, लेकिन मेरे ये दोनों पुत्र वैसे के वैसे रह गए, तो इस तरह का वर्णन आया। तो हमारे नारद जी ने कहा वृथा, ये तुम्हारा जो खेद है, वृथा खेद ऐसे बाले। अच्छा मैं निवेदन करूं, अगर आपको बहुत भारी न लगे तो बोलना तो पड़ेगा, तो अगर आप भागवत जी भी लेके आए तो क्या बुराई है,
अगर आपको बहुत भारी ना लगे तो, और भारी लगे तब भी अच्छी चीज़ों के लिए तपस्या करना भी कोई गलत बात नहीं है, है ना? तो इसलिए अगर ग्रंथ हाथ में हो तो ज़्यादा समझ में आता है। मैं अपने अनुभव से बोल सकता हूँ, रस की अनुभूति ज़्यादा होती है, भगवान के जो शब्द हैं वो देखने को मिलते हैं, तो थोड़ी सी आदत हम लोगों की बिगड़ सी गई है बीच में, ऐसा बोल रहा हूँ मैं। हमारे गुरुदेव ने इसको फिर से किया, उन्होंने ज़रूर ये बात कही कि ग्रंथ हाथ में सबके होना चाहिए। इस बात पर वो बराबर बोलते रहते थे, और वो बोलते थे कि हम लोग जो बैठे हैं वो कक्षा में बैठे हैं, चिन्मय मिशन में ये शब्द बहुत प्रचलित है ना, कक्षा में बैठे हैं। कक्षा में बैठते हैं, ध्यान रहे केवल आप नहीं हम भी, बल्कि हम पहले। कक्षा में बैठते हैं मैंने भगवान की वाणी को, शास्त्र की वाणी को समझने के लिए बैठते हैं। अगर तो यह प्रयोजन हमारी बुद्धि से कहीं विगलित हो जाए, ओझल हो जाए, तो बात बिगड़ जाती है। फिर हम तो ऐसा महसूस करते हैं, कृपा है भगवान की, कि गीता जी को जब भी पढ़ते हैं, शास्त्र पढ़ाते पढ़ते हैं, तो हमें हमेशा लाभ होता है। आपको भी ज़रूर होता होगा, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा होता है, ये तो मैं बोल ही सकता हूँ, बिल्कुल बोल सकता हूँ, क्योंकि हम पढ़ाने के लिए नहीं, पढ़ने के लिए बैठते हैं, समझने के लिए बैठते हैं, विश्लेषण करने के लिए बैठते हैं। भगवान के हृदय में वो कौन सी बात थी जो बताना चाहते थे हमको, तो भगवान के हृदय की विवक्षा, संस्कृत में एक शब्द है विवक्षा, विवक्षा माने, चतुर्वेदी जी को खूब मालूम है, आप लोगों को भी होगा, वक्तुम इच्छा ही थी, बोलने वाला बोलने के पहले हृदय में कौन सी इच्छा रखता है जो उसको बोलने के लिए विवश करती है। ठीक है, और इसमें सन प्रत्यय लगा है, विवक्षा शब्द में सन प्रत्यय लगा हुआ है, देखना आराम से, और सन प्रत्यय आनंदार्थक होती है। यही तो, इसलिए दूसरे गण की धातु बनती है ये। जब से जिज्ञासा हुआ ना, तो जिज्ञासा में धातु तो ज्ञा है, लेकिन सन प्रत्यय लगते ही जी उपसर्ग फिर से लग जाएगा। व्याकरण पढ़ना चाहिए, आनंद आता है। जी ज्ञा, तो जी की ज़रूरत क्या थी, ज्ञान से काम चल जाता, नहीं चलता, सन प्रत्यय लगा है। और सन प्रत्यय की बारीकी ये है, सूक्ष्मता ये है, कि वहाँ पर धातु आनंदार्थक हो जाती है। इच्छा किस चीज़ की होती है, जो आपको आनंद दे। तो जिज्ञासा शब्द का अर्थ होता है जानने की इच्छा में जो आनंद मानता है, और दूसरी इच्छाओं में आनंद नहीं मानता है, उसको बोलते हैं जिज्ञासा। अब देखें, ये महीन हो गया ना, सन प्रत्यय की वजह से ये अर्थ निष्पन्न हुआ। और इसी तरह से शब्द है, हाँ, विवक्षा। और अभी हम लुधियाना में थे,
तो बैठे बैठे एक दिन ये बात चल गई, क्यों कमरे में चल गई कि तितिक्षा माने क्या। तितिक्षा माने तो आप में से कई लोग जानते हैं, तितिक्षा माने होता है तप करना, लेकिन वो पूरा सही नहीं है। तिज धातु है उसमें, जानते ही हैं। चतुर्वेदी जी की ओर इसलिए देखता हूँ कि वहाँ से समर्थन, वहाँ से सब होता है। तिज धातु है, सन प्रत्यय लगने की वजह से ती ती दो बार हो गया। तितिक्षा माने ऐसा तपस्वी जो तपस्या में आनंद मानता है, कष्ट नहीं बल्कि आनंद मानता है। और जो आनंद न माने वो तो फिर पीड़या क्रियते तपः, गीता जी में पीड़या क्रियते, और भगवान उसको बहुत बुरा मानते हैं। कर्षयन्तः शरीरस्थम माम चैवान्तः शरीरस्थम तान विद्यासुर निश्चयान। ऐसे जो बेकार में तपस्या करते हैं, हाँ केवल शरीर को सताते हैं, तो बोले वो तो पंचभूत को सताते हैं और मुझे भी सताते हैं। श्लोक याद आया, कर्षयन्तः शरीरस्थम भूतग्रामम अचेतसः, पहली डिग्री है अचेतसः। अचेतसः माने आप समझते हैं, अचेतसः माने बेवकूफ। हाँ, अब क्या कहा जाए। कर्षयन्तः शरीरस्थम भूतग्रामम अचेतसः माम चैवान्तः शरीरस्थम। उधर पंचभूतों को कष्ट देते हैं, दूसरा मैं जो शरीर में अंतर्यामी होकर बैठा हूँ मुझे भी कष्ट देते हैं। ध्यान रहे तो ऐसी तपस्या को भगवान बहुत अच्छा नहीं मानते हैं। तपस्या तो तब है जब वो तितिक्षा हो, उसमें सन प्रत्यय तो लगाए, ठीक है। तपस्या तो तब जब उसमें जिज्ञासा हो, उसमें वहाँ भी सन प्रत्यय है। तो हम जब बैठते हैं और एक दूसरे के साथ चर्चा करते हैं, प्रभु की वाणी को समझने के लिए करते हैं, और वो इसलिए क्योंकि हमारे भीतर प्रभु ने कृपा करके ये भाव दे दिया कि इस वाणी को समझने में ही आनंद है, ना समझी से सारी तकलीफ है। आम चैवान्तः, वो न होने पाए तो विवक्षा, भगवान अपने हृदय में क्या इच्छा रख करके हमसे बात करना चाहते हैं, हमको कुछ समझाना चाहते हैं, उसको हमें पकड़ना है, उसको हमें समझना है। बस इसके लिए कक्षा चाहिए, इसलिए गुरुदेव बोलते थे हम लोग कक्षा में बैठे हैं, समझने के लिए बैठे हैं। हमारा बल समझाने पर नहीं, हमारा बल कहाँ पे, समझने पे ज़्यादा है। तो अब नारद जी को सुनिए। नारद जी बोलते हैं वृथा खेद से बाले, हाँ भक्ति माता को क्या बोल रहे हैं, बाले। बोले भक्ति वृथा खेद से, तुम्हारा खेद वृथा है, सही नहीं है। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि तुम्हारी महिमा कितनी है। एक दो श्लोक तो पढ़ डालते हैं। बोलते हैं वृथा खेद से बाले अहो चिंता तुरा कथम, श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर। उपाय बताया, साधु है ना,
बोलते हैं श्री कृष्ण चरणाम भोज स्मर, भगवान श्री कृष्ण के चरणों का स्मरण करो तो दुखम गमिष्यति। दूसरा अध्याय है, पहला ही श्लोक है। दुखम गमिष्यति, तुम्हारे जीवन में दुख के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। शायद विस्मरण हो गया, अब भक्ति के लिए ऐसा कहना तो जरा मुश्किल है, लेकिन नारद जी बोल देते हैं श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। माता भक्ति, हालांकि बाले बोल रहे हैं, तुम्हें अपनी महिमा भूल गई है, याद करो उसको। त्वंतु भक्ति प्रिया तस्य, अरे भक्ति देवी, आप प्रभु श्री कृष्णचंद्र भगवान की प्रिया हो। मैंने वृंदावन में ये बात कही, वहाँ कथा हो रही थी और हमारे दो पंक्तियों में तो महात्मा लोग बैठे थे और वहाँ पे वो ठीक से नहीं याद आ रहा है, इस समय श्रीधरी पढ़ाते हैं वो महाराज जी के यहाँ, अखंडा जी महाराज जी के आश्रम में, राजेश्वर शास्त्री जी, हाँ वो विराजे हुए थे। तो और मुझे बहुत स्नेह किया उन्होंने, दानुका जी भी बैठे हुए थे, तो वो भी कथा के तो रसिक थे। तो मैंने उनको, मैंने उस दिन प्रवचन में ये बात कही कि जिसको समाज में राधा जी के नाम से प्रसिद्धि प्राप्त है, पद्म पुराण के बल से मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि वो भक्ति देवी का ही दूसरा नाम है। और राजेश्वर शास्त्री जी बिल्कुल खिल गए, नहीं तो वृंदावन में ऐसा कहना जरा मुश्किल है, लेकिन हमने कहा क्योंकि यहाँ लिखा है, उसी बल से कहा। देखिए क्या लिखते हैं, त्वंतु भक्ति प्रिया तस्य, भक्ति देवी आप उनकी प्रिया हो। ये तो पर्सोनिफिकेशन जिसको बोलते हैं, मानवीकरण कर देने से समाज में एक प्रथा चल गई और उस पर बहुत गीत उपगीत इत्यादि कुछ ज़्यादा ही हो गया, मुझे तो ऐसा लगता है। नहीं, यहाँ क्या लिखा है वो भी देख लेना चाहिए। त्वंतु भक्ति प्रिया तस्य, माता भक्ति आप उनकी प्रिया हो। हाँ हाँ, सततम प्राणतोदिका, प्राणों से प्यारी हो। किसके लिए कह रहे हैं? भक्ति के लिए, ध्यान रहे। अब यहाँ पे मैं नामांतर भी नहीं करना चाहता हूँ। वैसे राधा जी का अर्थ यही होता है, राधते, अनया राधते शब्द आया है भागवत जी में, जो आराधना की मूर्ति है उसको राधा कहा गया। लेकिन अब हम लोगों ने थोड़ा ज़्यादा बढ़ा दिया उसको, तो फिर अब पता नहीं क्या क्या कहा, लेकिन मैं यहाँ रह करके देखता हूँ और मुझे महात्माओं का समर्थन भी प्राप्त है, ये मैं आराम से बोल सकता हूँ। बोलते हैं तंतु भक्ति प्रिया तस्य सततम प्राणतोदिका, भक्ति देवी आपकी महिमा आपको भूल गई है। ये ऐसे ही भूल जाती है जैसे जीव को अपना स्वरूप भूल जाए तो वो कंगाल दिखता है, है तो वो धनी, धनियों का धनी। जीव को अगर अपने स्वरूप की महिमा का ध्यान रहे तो वो तो आनंद स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप है। लेकिन अगर वो अपनी महिमा को भूल जाए तो विस्मरणम एव अविद्या, रामानुजाचार्य जी का ये मंत्र है,
बोले अविद्या कोई चीज नहीं होती, विस्मृति रेव अविद्या, भगवान के विमुख हो जाना माने विस्मृति हो जाना, वही अविद्या है। हमारे हनुमान जी महाराज ने बिल्कुल इसी परिभाषा को पकड़ा। जो रामानुजाचार्य जी की परिभाषा है बिल्कुल उसी परिभाषा को हनुमान जी ने पकड़ा। हनुमान जी महाराज से भगवान ने पूछा, अच्छा हनुमान तुम कहते हो जानकी जी बहुत दुखी है, इतनी दुखी हैं, इतनी दुखी हैं कि सीता कर दुख, तो सीता जी का इतना दुख है, ति विपत्ति विशाला बिनई कहे भल, यही है ना, बिनई कहे भल दीन दयाला, न कहूँ तो ही अच्छा है, इतनी इतना विशाल विपत्ति उनके ऊपर पड़ गई है। तो भगवान पूछते हैं कि जानकी जी जीती कैसे हैं, तो वो बोलते हैं हनुमान जी महाराज क्या करें, तो ध्यान आपका करती हैं तो वो किवाड़ बंद है, नहीं तो प्राण चले गए होते। ध्यान तुम्हार कपाट, और केवल कपाट नहीं लगा है बल्कि उसमें ताला भी लगा है। लोचन निज पद जंत्रत, तो आंखें जो हैं अपने ही पैरों से बंधे रहते हैं, इधर उधर देखती ही नहीं हैं, तो किवाड़ के ऊपर ताला भी हो गया, और वाणी निरंतर आपके स्मरण में रहती है, नहीं तो प्राण जा ही के ही बाट, प्राण तो चले गए होते लेकिन किस रास्ते से जाएं, प्राणों को रास्ता ही नहीं मिल रहा है इसलिए नहीं गए। तो जब राम जी ने सुना कि अच्छा जानकी जी ध्यान करती हैं मेरा और नित्य स्मरण करती हैं मेरा और उनकी आंखें दूसरे को देखती ही नहीं हैं और फिर उनके ऊपर इतनी विपत्ति है, सच में हनुमान सच में, तो मुझे फिर पूछने का मन होता है कि विपत्ति क्या होती है, किसको बोलते हैं विपत्ति। अब हनुमान जी महाराज एकदम सजग हो गए। हनुमान जी महाराज का उत्तर क्या है, बोले कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन। बोलो ना, अब बोलो विपत्ति कहाँ से आई फिर जानकी जी के जीवन में, जब निरंतर ध्यान करती हैं स्मरण करती हैं दूसरे की तरफ देखती भी नहीं हैं, तो फिर विपत्ति आई तो किस रास्ते से आई। तो हनुमान जी महाराज तो फिर क्या बोले, चुप रहे बात बदल दी धीरे से, बोले महाराज लेकिन जल्दी चलना चाहिए, ध्यान रहे तो ये मैं जो बात कह रहा हूँ वो तो ये है कि रामानुजाचार्य जी महाराज ने कहा विस्मृति रेव अविद्या, बहुत सारी अविद्या की परिभाषाएं हैं, यहाँ लिखा विस्मृति रेव, और इसलिए विद्या क्या है, स्मृति रेव। अब मैं उलझाऊंगा नहीं लेकिन मन तो हो रहा है। अब कमरे में पूछूंगा अगर कोई चढ़ गया पल्ले तो हैं। अर्जुन को ज्ञान हुआ ऐसे बोलते हैं ना, भगवान ने उपदेश किया तो अर्जुन को ज्ञान हुआ, ज्ञान हुआ कि स्मृति हुई, लिखा तो यही है नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा। तो रामानुजाचार्य जी ने कहा था विस्मृति अविद्या है। तो नेचली यहाँ पे स्मृति विद्या है,
अब आप बच्चों चढ़ जाओगे तब मैं पूछूंगा कि इसका अर्थ क्या होता है। अल्पतोषी लोगों के लिए तो सब कुछ सही है, हाँ ध्यान रहे, लेकिन अल्पतोषी मंगलकारी नहीं होता है। तो आओ तो बताते हैं, फिर बताते हैं, मैंने सुनता हूँ, मैं बोलने वाले दूसरे होंगे, मैं सुनूंगा। अच्छा, तो यहाँ बोलते हैं वृथा खेदे से बाले, आपको अपनी महिमा भूल गई है, वृथा खेदे से वाले। अद्भुत है, अहो चिंता तुरा कथा कथम श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति त्वंतु भक्ति। भक्ति आप कौन हो मालूम है, त्वंतु भक्ति प्रियातस्य सततम प्राणतोधिका, उनकी प्राणों से प्यारी हो आप। प्रमाण क्या है, प्रमाण क्या है इस बात का, बोलते हैं नारद जी, त्वया हूतस्तु भ, आप अगर उनको बुला दो, त्वया हूतस्तु भगवान, अगर आप बुला लो भक्ति देवी, तो याति नीचक गृहेश्वपि, तो भगवान नीच से नीच व्यक्ति के घर में भी प्रवेश करने में संकोच नहीं करते। शर्त यह है कि बुलाने वाली आप हो। तो हम लोग जो गाते हैं ना ढोलक बजा करके, क्या राधे 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 कृष्ण से मिला दे, कृष्ण से तो आराधना ही मिलाती है, और कौन मिलाएगी। यहाँ देखो लिखा, त्वया हूतस्तु, आप अगर आवाहन कर दें तो, त्वया हूतस्तु भगवान याति नीच गृहेष्वपि। हमारे शास्त्र जी वृंदावन में ऐसे प्रसन्न हुए, बोले 23 वर्ष बाद आज फिर भागवत हो रही है। अरे हमने कहा यहाँ तो 15 भागवतें रोज होती हैं। अब बोले नहीं वो नहीं, तब मुझे याद दिलाया तुम 23 साल बाद आ रहे हो वृंदावन में। संयोग का था, मुझे याद भी नहीं था, महाराज जी जब तक थे तब तक चातुर्मास में मैं जाता था। अब वो मेन आकर्षण नहीं रहा तो जाना बंद हो गया, तो उस दिन कस के उलाना भी सुनने को मिला। तो ये देखो, बोलते हैं भक्ति देवी आपको मालूम है आप कैसे बनी हो, थोड़ा महीन है और हमारे जबलपुर के लोग सुधी हैं। क्या महीन है कि भक्ति त्रिगुणात्मिका नहीं है, ये लिख दिया, इवन सत्व गुणात्मिका नहीं है, रजो गुणात्मिका तो बिल्कुल ही नहीं है, और तमो गुणात्मिका तो सोच ही नहीं सकते। भक्ति त्रिगुणात्मिका नहीं है, ये बात पद्म पुराण के महात्म्य कही गई, देखें हम पढ़ देते हैं। बोलते हैं भगवान को लगा कि आखिर तो मैं जब अपनी लीला का संवरण कर लूँगा तो मेरे भक्तों की रक्षा कौन करेगा, तो भक्ति को रहना चाहिए। तो लिखते हैं इति निश्चित्य चिद्रूपः, रचना करने वाले कौन हैं, चिद्रूपः भगवान। इति निश्चित्य चिद्रूपः, चिद्रूप परमात्मा ने सद्रूपां त्वां ससर्जः, आप जो सद्रूप हो आपकी उन्होंने रचना की।
ध्यान रहे सात्विक नहीं है। सद्रूपाम चिद्रूप त्वाम ससर्ज, चिद्रूप ने आपकी रचना की, आप कुछ कैसी हो, बोले आप सद्रूप हो, स्त्रीलिंग है, ध्यान दो। सद्रूपाम सद्रूपाम त्वाम ससर्ज, किसने सर्जना की, पहले चिद्रूप बोल सक बोल चुके हैं, अभी फिर बोलते हैं, परमानंद चिन्मूर्ति ही, परमानंद चिन्मात्र जो परमात्मा है उसने आपकी रचना करी, आप कैसी हो, सुंदरीम अतिशय सुंदरी हो और श्री कृष्ण की वल्लभा हो, यहाँ साफ लिखा, सुंदरीम कृष्ण वल्लभाम, वो हो आप, आपके बुलाने से नीच के घर में भी भगवान प्रवेश करते हैं। आप अपनी महिमा को स्मरण करो, भगवान श्री कृष्ण को स्मरण करो तो दुखम गमिष्यति। तो महात्मा का जैसे ही बोध कराया है नारद जी ने, भक्ति बिल्कुल सुखी हो गई, प्रसन्न हो गई, लेकिन बोले हमारे ये पुत्रों का क्या होगा, तो उनको बोले नारद जी इनको जगा देता हूँ मैं, उनको लगा आसान काम है, तो उन्होंने प्रस्थानत्रयी उनके कान में फूंका, वेद वेदांत घोषैश्च, वेद वेदांत का घोष किया, कान में मुंह लगा लगा के किया, बहुत जब बोला उन्होंने, तो यहाँ लिखा है कि वो जो ज्ञान वैराग्य थे वो थोड़ा उन्होंने करवट लिया और जम्हाई लेके फिर सो गए। प्रस्थानत्रयी श्रवण करने पर भी, सांदीपनी हिमालय में पढ़ने के बाद भी, अब ठीक है ना तो केवल जम्हाई लेके फिर करवट बदल के सो जाते हैं, फिर क्या मतलब है, केवल हिमालय नहीं और भी जितने हैं आलय, वो सब जगह का हाल ऐसे हो जाता है। बोलते हैं तो तब तो नारद जी को बड़ी चिंता हुई कि आखिर तो इससे ज़्यादा बड़ा साधन और कहाँ से लेके आऊँ मैं, तो पूछने लगे लोगों से जो महात्मा लोग रास्ते में मिले कि कैसे ठीक होगा। वो तो कुछ तो भाग गए महाराज आश्रम छोड़ के, क्योंकि वो बहुत बड़े ऋषि कहलाते थे और उनको डर लगा कि अगर नारद जी आते हैं सबके सामने पूछ लें कि वो ज्ञान वैराग्य जगे नहीं, तुम बताओ उपाय, तो भाग ही गए, उन्होंने आश्रम छोड़ दिया कि भेंट नहीं होगी तो पूछने सवाल देने जवाब का कोई मौका ही नहीं मिलेगा, रहने दो। तो हमारे नारद जी दौड़ते दौड़ते अल्टीमेटली बद्री धाम की ओर पहुँचे और वहाँ उनको मिले कौन, सनकादि चारों, और वहाँ उन्होंने बड़े भाई थे, वो नारद जी के बड़े भाई थे, तो उन्होंने वहाँ नारद जी को डांट लगाई, बड़े भाई थे तो डांट सकते थे, उन्होंने पूछा भाई अरे तुम कहाँ जा रहे हो जल्दी जल्दी, हैं ये क्या मसला है, मने कुतो ब्रह्मन आप कैसे जा रहे हो, विरक्त के जीवन में इतनी आतुरता शोभा नहीं देती है। वही बोलते हैं, बोलते हैं वाह वाह, बोले इदानीं भूरि भाग्येन भवद्भिः संगमो भवेत्। बोलते हैं ततः चिंतातुरं सोथ बदरी वनमागतः,
तपस्यामि चात्रैत तदर्थं कृत निश्चय। वो कहाँ गया वाक्य भाई, तुमको मिल गया क्या? अब पढ़े बिना चैन भी नहीं होगा। नारायण 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 मिला क्या? वो भी पलटता है, मैं भी पलटता हूँ, ये तो अच्छी बात नहीं है। दोनों कागज पलटते हैं। आगे बढ़ना पड़ेगा क्या? कौन सा श्लोक है? 26 अध्याय 26वां श्लोक। नहीं नहीं अच्छा अच्छा अध्याय ही बदल गया। तो कथन ब्रह्मन दीन मुख है, ये शब्द तो मुझे याद था लेकिन मैं ग्रंथ में देखना चाहता था। नारद जी का मुंह उतर गया था तो सनकादि ऋषि बोलते हैं कथम ब्रह्मन दीन मुख है, तुम्हारे चेहरे पे इतनी दीनता दिखाई देती है तो विरक्तों के मुंह पे दीनता अच्छी नहीं लगती। थोड़ा डांट लगाई और फिर जब नारद जी ने समस्या बताई तो यहाँ महात्म्य कहा गया कि सनकादि ऋषियों ने आश्वासन दिया, बोले नहीं कोई चिंता नहीं है, ज्ञान यज्ञम करिष्यामि, हम ज्ञान यज्ञ करेंगे और हरिद्वार में करेंगे, वहाँ बिल्कुल विस्तृत गंगा जी का क्षेत्र है, वहाँ पे सबको सूचना दीजिए। तो भागवत जी का प्रथम अवतरण भूमि पर नारद जी के निमित्त से, नारद जी वहाँ श्रोता है, नारद जी के निमित्त से सनकादि ऋषियों के मुख से धरती पर पहली बार भागवत जी का अवतरण हरिद्वार में हुआ। वहाँ पर जब कथा का केवल महात्म किया सनकादि ऋषियों ने तो बीच में भक्ति प्रकट हो गई ज्ञान वैराग्य के साथ। पूछा उन्होंने हम कहाँ बैठे, तो उन्होंने कहा सनकादि ऋषियों ने आप भक्तों के हृदय में विराजमान हो जाओ अपने दोनों लड़कों के साथ। और इस तरह से पहली भागवत हुई जहाँ भक्ति को अपने पुनः ज्ञान वैराग्य पुत्रों की युवावस्था प्राप्त हुई। 3 अध्याय में तो ये आता है और 3 अध्याय नहीं 2 अध्याय में धुंधुकारी वाली कथा है, आप लोग जानते हैं वो तो बहुत प्रसिद्ध है ना। धुंधुकारी जो प्रेत हो गया था महापापी, तो उसका उद्धार किया है गोकर्ण जी ने। तो इस तरह से हम भागवत में प्रवेश करने के इच्छुक थे तो 6 अध्यायों में महात्म्य की कथा पूरी होती है। इसमें हमारे
भक्ति जी को, भक्ति माता को एक देवी के रूप में सामने रखा, और ज्ञान भी अमूर्त पदार्थ है और वैराग्य भी अमूर्त पदार्थ है। वो कोई मानव की तरह से मुकुट इत्यादि लगा के नहीं रहते, तीनों हृदय के निवासी हैं, भक्ति भी ज्ञान भी वैराग्य भी। थोड़ा इस पर हम चर्चा कर लें। भक्ति को यहाँ कहा गया ज्ञान वैराग्य की माता। इस संबंध को कैसे समझा जाए? मुझे तो ऐसा लगता है कि इस बहुत बढ़िया निरूपण किया गया है। भक्ति अगर हृदय में प्रकट हो जाए ठीक से, तो उस भक्ति का परिणाम क्या होगा? जिससे हम भक्ति करेंगे उसको जानने की इच्छा भी जरूर होगी। तो भक्ति अगर हृदय में दृढ़ होती है तो उसका परिणाम ही होता है जिज्ञासा। भक्ति अगर हृदय में दृढ़ होती है तो जो हमारा आराध्य है उससे हट कर के जो लोग हैं उनसे वैराग्य होना उसका फल है। माने विषय में राग भी हो और भक्ति भी हो, वो दोनों एक साथ चलें, ऐसा तो ज़रा मुश्किल दिखता है। नहीं, तो दोनों का संबंध है। माता है भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, ये दोनों पुत्रस्थानी, पुत्र की जगह पर खड़े दिखाई देते हैं। भक्ति हो तो उसका एक फल जो प्रत्यक्ष हमें मालूम पड़ता है, आप सोचिएगा, भक्ति का एक फल प्रत्यक्ष है निश्चिंतता। माने ऐसा कहना जरा ठीक नहीं लगता है कि कोई भगवान का शरणागत भी हो और बहुत चिंतित, बहुत परेशान, भाई एक बार शरणागति सधने लग जाए हैं तो फिर तो चिंता किस बात की। जो प्रभु करेंगे वही ठीक है, नहीं मैं जो चाहता हूँ वो ठीक है, जब हम ऐसा बोलते हैं तब चिंता होती है ना। भगवान को बरसात बंद कर देनी चाहिए, अच्छा तो ठीक है, तो हुक्म मानने वाले भगवान हैं तो फिर ठीक है। भक्त क्या बोलेगा? भक्त बोलेगा कि भगवान को बरसात बंद कर देनी चाहिए? वो कहेगा आपकी मर्जी है, आपको मौज आती है तो बरसात करो, आपको मौज आती है तो रोक दो। उसके लिए तो शब्द है राजी तेरी रजा में। हमारे यहाँ एक संत थे, गंगा किनारे नर्मदा जी के स्मरण के साथ बोलता हूँ, तो वो बिल्कुल दिगंबर रहते थे, गांव की बात है, तो उनके पैर में चोट लग गई और शायद कोई बीमारी भी होगी, तो वो बढ़ता गया, तो हमारा परिवार उनकी सेवा में जाता था, तो हमारे अपने संबंध में लोग थे, तो उन लोगों ने कहा कि आपकी तो भगवान से बात होती है तो आप कहते क्यों नहीं है कि ठीक कर दो। तो संत महाराज जी बोले कि मैंने एक आध बार कहने की कोशिश करी तो मुस्करा रहा था, तो मैंने कहा फिर तुम्हें अच्छा लगता है, इसी में मज़ा आता है तो यही सही फिर। तो फिर मैंने कहना छोड़ दिया और फिर शरीर उनका बाद में पूरा हो गया। तो भक्ति तो देखो भाई, अगर सच में घट गई, अगर घट जाए तो, आज ही मैं किसी प्रसंग में किसी से कह रहा था ना, बोल रहे थे क्या, मौसम बहुत खराब है,
तो मैंने कहा अम्मा मौसम तुमने बनाया, तो वह तो चुप हो गई। मौसम खराब कैसे हो सकता है, मौसम ना हमने बनाया ना आपने बनाया, मौसम तो भगवान ने बनाया है और वो खराब है। हाँ आपके शरीर में इम्यूनिटी नहीं है, वो आपका शरीर खराब होगा। मौसम कैसे खराब होगा, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, तो आपका शरीर में गड़बड़ है, मौसम कैसे खराब हो गया। मौसम बनाने वाले तो हम आप हैं नहीं, यानी सरकार ने बनाया होता तो शायद हम जिंदाबाद मुर्दाबाद करते, सरकार ने बनाया नहीं। समष्टि की रचना जो मालिक साहब के संकल्प से होती है तो उसमें खराब और अच्छा देखना ही खराब है। गोस्वामी जी ने लिखा गुण यह उभय न देखिए, सबसे बड़ा गुण तो ये है कि दोनों न दिखाई दे, अच्छा खराब क्या देखना है। भक्ति हो और निश्चिंतता न हो तो थोड़ी शंका होती है, भक्ति भी हो ये दावा है मेरा कि भक्ति भी है और फिर मैं चिंताग्रस्त भी रहता हूं तो फिर एक ही सही होगा। है ना, अगर चिंताग्रस्त हैं तो फिर ये कहना पड़ेगा कि मेरी भक्ति अभी सधी क्या अभी सधी नहीं है, नहीं तो क्या होगा, अधिक सधी के देह छूट जाए तो उससे भी क्या फर्क पड़ता है, भक्तों को क्या फर्क पड़ता है भाई, वो उसका कहीं आग्रह नहीं है। महाराज जी बोलते थे, महाराज जी मैंने पूज्यपाद अखंडा जी महाराज बोलते थे, अगर कहीं भी तुम्हें कुछ गड़बड़ लगती है तो देखना तुम्हारी मुट्ठी में कुछ पकड़ा हुआ तो नहीं है तुमने, अगर तुमने मुट्ठी में आग्रह पकड़ रखा है इसकी वजह से चिंता होती है। भागवत जी में लिखा ना वो दत्तात्रेय जी वाली कथा में कि जब तक उसके मुंह में मांस का टुकड़ा था तब तक दूसरे जो पंछी थे उसके ऊपर झपट रहे थे और जैसे ही उसने उसको छोड़ दिया सारे पंछी अपने रास्ते पे वो निश्चिंत हो गया। तो क्यों झपट रहे थे, क्योंकि किसके मुंह में था, उसके मुंह में गड़बड़ थी। हाँ हाँ भक्ति, कंक्लूड करता हूँ, भक्ति वो जो आदमी को निश्चिंत करे और वो होना ही चाहिए, क्योंकि अगर ये शब्द बोला जा रहा है कि भक्ति उसको बोलते हैं जो राजी तेरी रजा को सिखा देती है, अगर ये नहीं सिखाती है तो भक्ति में कमी है, न भक्त है और न चिंता मुक्त है, दोनों नहीं है, उधर भक्त नहीं है और इधर चिंता मुक्त नहीं है, दोनों गड़बड़ है। शरीर न रहे तो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन इतना दम नहीं है तो फिर ये दावा मत करो कि मैं भक्त भी हूं, तब तो ये कहना पड़ेगा न मैं ठीक से भक्त हूं न मैं ठीक से चिंता मुक्त हूं। भक्ति तो तभी अगर है तो जब हृदय में चिंता ना हो। अब अगला नंबर, निश्चिंत हृदय में जिज्ञासा का अवसर होता है, चित्त समस्या प्रधान हो और उसमें जिज्ञासा भी हो जाए ये मुझे डाउट है। समस्या प्रधान चित्त हो, दुनिया भर की चीजें उसमें उमड़ घुमड़ करती रहती हैं और उसी के बीच में है ना एकदम बढ़िया जिज्ञासा हो जाए
कहाँ होता है, कहने के लिए ठीक है, नहीं हो सकता। जिज्ञासा तो निश्चिंत हृदय की भूमि पर, हृदय निश्चिंत हो तो उस भूमि में जिज्ञासा का प्रादुर्भाव, जिज्ञासा का अंकुरण हो सकता है, होता ही है। इसीलिए तो अभी बोल रहे थे चतुर्वेदी जी, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, तो अथ शब्द की सिद्धि न हो तो ब्रह्म जिज्ञासा की सिद्धि नहीं हो सकती। अथ माने निश्चिंत हृदय, मैं छोटे में ऐसा बोलता हूं। तो भाई भक्ति हृदय को निश्चिंत करती है और निश्चिंत हृदय में ब्रह्म जिज्ञासा होती है और ब्रह्म जिज्ञासा ही अंततः व्यक्ति को ज्ञान की सिद्धि कराता है। तो पहला बेटा हो गया भक्ति का, पहले बेटे का नाम क्या? ज्ञान। वो पहला बेटा इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हृदय में निश्चिंतता नहीं आई, हृदय समस्या प्रधान बना रहे और ज्ञान भी हो जावे तो आप सोचिएगा ये बनेगा क्या। मुझे तो डाउट है। तो पहला ये, अच्छा अगर किसी से ज्ञान हो जाए, किसी को ज्ञान हो जाए और उस ज्ञान में अभिनिवेश न हो, उस ज्ञान से बुद्धि पूरी तरह से लग न जाए, उसमें डूब न जाए, तो ज्ञान फिर आनंद रूप नहीं होगा तभी। तो अगर तो ज्ञान हुआ, वो लिखा है गीता जी में एक श्लोक है, अगर सुना दो तुम लोगों में से कोई सुना दे तो अच्छा है। नास्ति बुद्धि ही अयुक्तस्य नचायुक्तस्य भावना। तो अयुक्त है तो बुद्धि ही नहीं उत्पन्न होगी, और कदाचित बुद्धि उत्पन्न हो भी जाए तो भावना नहीं बनेगी। भावना माने अभिनिवेश। हाँ, ज्ञान हो जाए और फिर उसके साथ अभिनिवेश हो जाए तो तद व्यतिरिक्त से वैराग्य होगा कि नहीं? हो ही जाएगा ना जो हमारा ज्ञान है उससे जो व्यतिरिक्त मिथ्या पदार्थ है उनसे वैराग्य होना ही चाहिए, तो वैराग्य उसका परिणाम हुआ। तो दोनों बेटे, पहला बेटा है लेकिन ज्ञान, पहला बेटा वैराग्य नहीं, ज्ञान और वैराग्य दोनों संतानें हैं। किसकी? भक्ति की। भक्ति हो तो निश्चिंतता आवे, क्रम फिर से दोहरा देता हूँ, भक्ति हो तो निश्चिंतता आवे, उल्टा भी कर सकते हैं। निश्चिंतता नहीं आती, इसका मतलब मैं क्या निकालूं? निश्चिंतता नहीं आती इसका मतलब शरणागति मानना पड़ेगा ना, फिर इसका मतलब है शरणागति सिद्ध नहीं हो रही है। माने ऐसा नहीं हो सकता है कि शरणागति भी सिद्ध है और चिंता भी सिद्ध है, वाह दोनों सिद्ध हैं, ऐसे नहीं भाई, ऐसे नहीं बनेगा। तो शरणागति सिद्ध नहीं हो रही है इसका प्रमाण है कि जीवन में चिंता है। अब आप देख लो, सोच के देख लो, जिसको जो खंडन करना हो कर दे, लेकिन मेरा तो निर्णय है और शास्त्र के बल पे है, किसी और बल पे नहीं, क्योंकि दोनों मूर्छित पड़े हैं। तो भक्ति है तो निश्चिंतता जीवन में आनी चाहिए। थोड़ा मुलायम कर देता हूँ,
भक्ति अगर सिद्ध होती है तो चिंता कम होनी चाहिए। ये ठीक है कि पहले वाला ही ठीक है? तो निश्चिंतता होनी चाहिए, और निश्चिंतता की भूमि अगर अंतःकरण में बनी तो जिज्ञासा होनी चाहिए। तो जिज्ञासा के लिए अवसर है, और जिज्ञासा अंत तक ज्ञान तक न ले जाए ऐसा कभी हो नहीं सकता। अगर तैयारी है तो क्यों नहीं। तो पहला बेटा हो गया, और अगर ज्ञान हो गया और वह ज्ञान आनंद स्वरूप वस्तु का है तो फिर असत पदार्थों की ओर से वैराग्य होगा कि नहीं होगा? होगा ही होगा। इसलिए भक्ति के ये दोनों बेटे होने चाहिए, तब जीवन जा करके सही मामले में सुखी होता है। आज विडंबना यह है कि भक्ति होती है और ये दोनों बेहोश पड़े हैं, तो भक्ति रोती है ऐसे में। अगर मेरे हृदय में भक्ति हो भी तब भी भागवत जी के बल पे बोलता हूँ। अगर मेरे हृदय में भक्ति हो भी तो कम से कम सुखी तो नहीं होगी, और हो सकता है वो रोती हो। और हम दावा करते हो कि हम भक्त भी हैं और मेरे हृदय में भक्ति रोती भी है, तो अब ये आपका दावा हो सकता है? ग्रंथ का दावा तो ये नहीं हो सकता। भक्ति तब तक सुखी नहीं हो सकती जब तक उसके दोनों बेटे सुखी ना हो जावें। तो धुंधुकारी कथा में गोलोक गोकर्ण ने जो उपदेश किया, सूर्य भगवान से सीधे ज्ञान लिया और उस तरह से धुंधुकारी की मुक्ति बताई गई है। अब कल से हम सीधे भागवत में जन्माद्यस्यतः में प्रवेश करेंगे। ओम तत्सत। आरती हो नहीं है क्या? श्रीमद् भागवत जी की आरती के लिए कृपा पूर्वक पधारें चित्रा भाभी जी, शरद कावरा जी, डॉक्टर के एन दुबे साहब, पंडित रोहित जी दुबे। जरा आराम से।